तो वो लड़की तो पढ़ी लिखी थी, एमए बीएस पास थी। तो आजकल कुछ बातें अलग होती हैं कि जैसे लड़की की शादी होके जाती है तो वो सिंगारदानी बहुत बड़ी ले जाती है, कम से कम 10,000 को सामान सफाई में होता है। तो नई नई बहन जाती है तो सिंगार विंगार भी करती है, और बाकी घर में जो दबे देवर वगैरह थे सबके सब बिना पड़ी। लड़की दूसरे दिन सिंगार कर रही थी, वो फेयर लवली जाती है ना, तो लड़की वो फेयर लवली लगा रही थी। तब तक का वो जैसे हमारे धनुआ है जी स्टूडियो वारो ऐसो ही रहे बाबू देवर। सो वो सामने पहुंचे, बोले भाभी थोड़ी हमें भी। सो भाभी ने भाभी ने सोची कि हो सकता जी मुंह पे लगाए, तो उन्हें थोड़ी सी रख दी। पहले वे खूब देखता रहे उठे उठे देखो उन्हें लगाई जी चाटे। थोड़ी देर बाद फिर बच गया, बोले भाभी थोड़ी और। तो भाभी ने फिर दे दी, उन्हें फिर जीभ लगाई और फिर खींच गए। तीसरी बार फिर पहुंचे, बोले भाभी थोड़ी और फिर दे दी, उन्हें जीभ लगाई फिर चोट गए। चौथी बार फिर पहुंचे, बोले भाभी थोड़ी और। सो भाभी ने ऐसा कनपटी बिंदा सो लांटे सी लग गई। भागे भागे भैया के पास गए, भैया से बोले भैया भाभी ने मुझे मारा है। बेहू बिना पेड़ोलो को कमा रहे बान की गोने में आई, गोने भैया पीट डारो जूझो ने का करे। अब पहुंच गए, बोले कहो तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया। बोले छुपा रहो जी, एक दाई क्रीम मांगते, दो दाई क्रीम मांगते, तीन दाई क्रीम मांगते, ये क्रीम मांगते ही रहे खाते ही चले गए। बोले जब क्रीम होते गए हमें दिखा, अब क्योंकि बेहू बिना पड़े लगे थे। सो उन्नू पाके हाथ में धरते ही, सो उन्नू पहले खूब देखियो धीर से। सो जैसे ही उन्हें क्रीम चाटी दूसरी कनपटी भैया ताड़ दी तमाचा दिया, काय रे रोज रोज रूकी खाएगो तो कहां से आई रोटी तो चपरी खा। तो देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब शादी वादी करने जाओ तो एक बार देख लेना लड़की की योग्य लड़का है कि नहीं। जैसे बिना पढ़ी लिखी उस लड़की की शादी हो गई उससे फौजी से, और जैसे ही फौजी शादी हुई उसका जॉन लेटर आ गया, वो नौकरी पे चला गया। तो कछु लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल चलाए कोई होश ना है लेकिन मोबाइल रखे हैं बड़ू बारू। हमारे पास तो मोबाइल ना है क्योंकि हम चंदा करके मोबाइल ले पाओ सो फूटी हो। सो वो नौकरी से उसने वहीं से फोन किया अपनी पत्नी के पास, बोले हेलो। अब बिना पढ़ी लिखी रहे सो वो हल्ले करी, फिर वहां ने फोन करी हेलो वो ऑल अलग। कभी कभी ऐसा होता है जब नेटवर्क नहीं आते तो हम लोग कहते हैं हेलो हेलो कहते नहीं। सो फौजी ने कही हेलो हेलो, ता हली सब ने पूरा आंगन झाटा। कुछ दिन बाद फौजी घर पे आया, फौजी ने कहा हमने तुमसे कहा फोन किया था बात करने के लिए, हमने कहा हेलो हेलो तुम बिल्कुल नहीं बोली। बोली छुपा रहो, एक दाएं हलाते दो दाएं हलाते तीन दाएं हलाते, तुम तो हलाई कर तुम्हारी किस्म पूरा आंगन झाटा रहो। बोले चल तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऐसा कर अब मैं कातराबाद जा रहा हूं, मेरे जूते ले आ। उन्होंने कहा कि मैं कादराबाद जा रहा हूं, ऐसा कहा चल पानी ले आ, मेरा दिमाग गर्म हो गया है। पानी ले आई, सो पानी ऐसे लेके आई जैसे सबे सरे खेतन में जाता है। बोली लियो, पति बोला पागल है क्या, कोई भी चीज लाई जाती है प्लेट में रख के लाई जाती है। अब ऐसा कर मुझे फिर दिल्ली जाना है, मेरे जूते ले आ। सो जूता रख के लाई प्लेट में, बोली लियो। पति समझ गया बिल्कुल पागल है। तब तक हुआ ऐसा कि कभी कभी होता है किस्मत खराब हो जाती है किसी ना किसी की। तब तक हुआ ऐसा कि बोल फौजी के दोस्त का फोन आ गया, बोले भैया हेलो नमस्कार नमस्कार। बोले ऐसा करना मेरे बच्चे का जन्मदिन है तुम आ जाना। फौजी बोला ठीक है फौजी ने कही क्यों ऐसा न होगा बहू की ना कह दे के लेवाई लई हो। बोले पूरी बात सुन लीजिए भैया कहिए। बोले तुम आना तो आना, तुम्हें हमारी कसम भाभी को जरूर लाना। पति बोला अब हो गया काम। पति ने समझाया, बोले देखो किसी के घर में जाओ तो अच्छा सा कमरा देखो तो जूता चप्पल बाहर उतार देना, ऐसे मन जाना। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी के साथ ऐसे प्यार तो समझा को तुम्हारी सब बात मन जाएगा, चिल्लाओ करो ना। पति लेकर के चला नौकरी की वो दोस्त के यहाँ पार्टी में, और पार्टी में जैसे ही दिल्ली प्लेटफार्म पर पहुंचा अब रिजर्वेशन करवाया फौजी ने, और रेशम वाला डिब्बा देखा आप लोगों ने, अच्छा होता है ना एकदम चिकना, अच्छा होता है गंदगी नहीं होती उसमें। सो जैसे ही प्लेटफार्म पर टिकट
ट्रेन आई और जैसी गेट खुलू सो उनकी पत्नी जगई के हमारे पति जगई दी कहू को अच्छो कमरा हो तो जूता चप्पल बाहर उतार दी। सो उनने चप्पल भई उतारी और घुस गई वहां में। अब ये बोल सोचन लगी जहां हम पे कंडा धर लेते हैं, जब बासन धर लेते, जहां हमारे नान की व्यवस्था हो जाती, यहाँ पे हम लेट जाते, मतलब उस रूम में आराम से देख रही ट्रेन के डिब्बा में। अब ट्रेन दिल्ली से छूटी सीधी फिरोजाबाद पे आके रुकी। अब फिरोजाबाद पे इधर उधर भगे आए देखे थे उधर, पति बोला क्या देख रही है? बोली तुम्हारी किस्म करें खाता जिनके लोग बड़े छोटा है, हमने द्वार पर चप्पल उतारी चप्पल ही ले। पति बोला अरे पागल वो दिल्ली था ये फिरोजाबाद है। बोले चुप तुझे खाने पीने का सबूत नहीं है, कुछ खाना पीना मत बिल्कुल। बोले ठीक है। पार्टी में पहुंचे और जैसे ही पार्टी में पहुंचे तो सब लोग खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे, जो जो व्यवस्था थी खा पी रहे थे। अब बेचपाए पे ऐसे मुंह कचे के पढ़ी लिखी बहन रहे वो समझ गई जगह पूंट ढीले। बोले जिजी तुम काहे ना खा दे? बोले चुपा रहो हमारे पति ने मना कर दिया है कुछ खाएंगे नहीं। बोले चुपा रहो तुम, ये पति होते ही ऐसे खुद तो पेट भर लेते हैं और हम लोगों का ध्यान नहीं रखते, तुम कुछ खाओ। बोले जिज्जी तो तुम्हें कछु ले आए थे। सो पढ़ी लिखी लड़की थी वो समझ गई कि ये तो गांव की गमार है। सो भाग के चाय ले आई और सफेद साड़ी पहन के गई थी। जैसी चाय लेके चाय दही अबे मठाकी पे भैया चाय कहा जाने कैसे सोने भगया पूरी सफेद साड़ी चॉकलेटी हो गई। पत्नी चल तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया चल कर लेके चलिए। रत्तम बोले तेरी वजह से मैंने कुछ नहीं खा पाया। सो उनने पल्लू में दो बिस्कुट लगा रही बोले लियो हमें मालूम ही तुम भूखी आओगी तो देख लेना चाहिए हमें शादी करते समय कि लड़का लड़की योग्यता एकता रहे कि नहीं। अब नंद बाबा समझा रहे कन्हैया नहीं माने तब अंत में कन्हैया और नंद बाबा गोवर्धन की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। आइए खड़े होइए पति परीक्षित जी।